अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, होप यू ऑल आर फाइन। आई एम योर टीचर मोहम्मद हबीब अमीन। और बेटा, आज के वीडियो के अंदर हम पढ़ने वाले हैं एयर पैसेज वे रोल इन फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस। लास्ट वीडियो के अंदर मैंने आपको पढ़ाया था रोल ऑफ डाइजेस्टिव ट्रैक इन इम्यूनिटी, एंड नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट एयर पैसेज वे। ओके बेटा, अकॉर्डिंग टू द बुक यहाँ एक डायग्राम भी बनी है, मैं इसको भी समझाऊँगा अलग से। क्या लिखा है देखो, इन सम सिस्टम लाइक रेस्पिरेटरी सिस्टम वेयर देयर इज अ ग्रेट रिस्क ऑफ एंट्री ऑफ पैथोजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म थ्रू एयर। तो भाई देखो, रेस्पिरेटरी सिस्टम जो है ना, वो बहुत ज़्यादा प्रोन होता है क्योंकि एयर उसके अंदर आ रहा है। अब एयर के अराउंड जो भी चीज़ें एयर में हो सकती हैं, कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो सकता है, एंड एनीथिंग कैन बी जो कि बॉडी में आसानी से इन्वेड कर सकती है। तो अब उसको तो डिफेंस सिस्टम की ज़रूरत बहुत ज़्यादा है। तो यहाँ पे क्या होता है, जो म्यूकोज़ा, देखो म्यूकोज़ा आपको मैंने बताया हुआ है क्या होता है। म्यूकोज़ा हमारे पास वो एपिथेलियल लेयर जिसके अंदर म्यूकस सिक्रीटिंग सेल होती है और जिसकी लेयर के ऊपर म्यूकस आ जाता है, वो म्यूकोज़ा कहलाता है। तो म्यूकोज़ा जो होता है इसका, वो ट्रैप कर लेता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म को, एंड इट्स सीलिएटेड सरफेस फ्लश ऑफ द कंटामिनेटेड म्यूकस आउटसाइड एज टू अवॉइड द रिटेंशन ऑफ डस्ट पैथोजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म। देखो भाई, ये क्या होता है, एपिथीलिया जो है, फॉर एग्जाम्पल ये एपिथीलिया है, यानी ये म्यूकोजल एपिथीलिया है, और इसके ऊपर ऑब्वियसली म्यूकस है। यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे म्यूकस की लेयर है। अब वो पैथोजन यहाँ पे ट्रैप हो जाएगा इस म्यूकस में, सेल के अंदर नहीं घुस पाएगा, और ये जो म्यूकोजा है इसमें सीलिया प्रेजेंट है, तो वो सीलिया उसको, उसकी उस म्यूकस को, उस पैथोजन को, या जो भी ट्रैप पार्टिकल होगा उसको दूसरी साइड धकेल देंगे ताकि इस पर कुछ लगावा ना रहे, बेसिकली। अच्छा, अब यहाँ पर ये डायग्राम बनी है, मैं ये डायग्राम आपको समझाऊंगा अभी, बट पहले हम ज़रा देखें कि और क्या क्या बातें लिखी हैं। देखो यहाँ पर लिखा है द हेयर्स प्रेजेंट इन आवर नोज, हमारे नोज पे हेयर प्रेजेंट है, ट्रैप द डस्ट डर्ट ETC फ्रॉम एन एड, यानी फॉर एग्जाम्पल इफ दिस वन इज द नोज, तो भाई देखो ये नेजल कैविटी है ना, जैसे ही एयर अंदर आती है तो यहाँ पे एयर्स प्रेजेंट है नेजल कैविटी के अंदर, जो क्या करता है, ट्रैप कर लेता है डस्ट को और जो कि हमने इनहेल किया है, और फिर उसके बाद मेक इट श्योर दैट द एयर पासिंग इन टू द रेस्ट ऑफ द एयर पैसेज वे शुड बी फ्री फ्रॉम सच कंटामिनेशन। जो भी डस्ट डर्ट होता है वो यहीं पे ट्रैप हो जाता है, और जो नाक के अंदर जो गंदगी होती है हमारी, तो वो वहाँ पे ट्रैप्ड होता है, और आगे जो एयर जाता है वो इस डस्ट से फ्री होता है। अच्छा, अब बाकी का जो रेस्पिरेटरी ट्रैक है उसकी जो म्यूकस मेम्ब्रेन होती है, क्या लिखा है, द म्यूकस मेम्ब्रेन ऑफ द रेस्पिरेटरी सिस्टम इज कम्पोज ऑफ सीलिएटेड कॉलमिनर एपिथीलियल सेल। देखो बेटा, एपिथीलियल सेल हमारे पास तीन किस्म के होते हैं, एक होता है स्क्वैमस, स्क्वैमस में सेल ऐसे, मैं किसी दिन एपिथीलियल टिश्यूज़ की भी अलग से वीडियो बना दूंगा, बट स्क्वैमस एपिथीलियल के अंदर ऐसे चिपटे चिपटे सेल्स होते हैं। एक होता है क्यूबॉइडल, क्यूबॉइडल में ऐसे क्यूब लाइक होते हैं, और एक होता है कॉलमिनर, कॉलमिनर में ऐसे ये लॉन्ग रेक्टेंगुलर होते हैं। तो बेटा यहाँ पे कॉलमिनर एपिथीलिया होता है, और इन कॉलमिनर एपिथीलिया में, यानी इस तरह के जो है ना कॉलम लाइक जो है ना इसके एपिथीलियल लेयर्स होती हैं, और उस पर सीलिया प्रेजेंट होता है, सही है ना, उस पर बाकायदा क्या प्रेजेंट होता है, सीलिया प्रेजेंट होता है। और कॉलमिनर सीलिया पे जो एयर आ रहा होता है उसमें कोई डस्ट वगैरह कुछ भी होती है वो यहाँ पे ट्रैप हो जाती है, और इन और ऑब्वियसली म्यूकस सिक्रीट हो रहा है तो म्यूकस भी है। तो क्या लिखा है बेटा, इट कंटेन न्यूमरस म्यूकस सिक्रीटिंग म्यूकस ग्लैंड, इन्हीं सीलिएटेड एपिथीलिया में बहुत सारे म्यूकस ग्लैंड होते हैं जो कि म्यूकस सिक्रीट करते हैं, और म्यूकस यहाँ पे जमा हो जाता है। तो इन केस अगर कोई पैथोजन होगा ना वो इसमें स्टक कर जाएगा, ड्यू टू द म्यूकस द डस्ट जर्म स्टक टू इट, जो डस्ट होंगे जो जर्म्स होंगे वो इसमें स्टक कर जाएंगे, एयर जो आ रहा था ऑब्वियसली, फॉर एग्जाम्पल ये ट्रैकिया था, इसकी एपिथीलिया में ऐसे सीलिएटेड कॉलमिनर एपिथीलिया है, तो डस्ट जर्म जो है ना वो यहाँ पर स्टक कर जाएंगे, और ये एपिथीलिया जो है मूव करता है,
क्या लिखा है, विच इज़ रिमूव बाय द सिंक्रोनाइज्ड अपवर्ड मूवमेंट ऑफ सीलिया। ये जो सीलिया है इसका, एपिथीलिया का, इसका ये जो सीलिया प्रेजेंट है ये मूव करता है और ये इसको बाहर निकाल देंगे। फॉर एग्जाम्पल आपको पता है कि लेट सपोज मैं यहाँ पे थोड़ा सा आपको डायग्रामेटिकली समझाता हूँ। देखो भाई, फॉर एग्जाम्पल ये बहुत रफ डायग्राम बन रही है। एनीवे देखो भाई, लेट सपोज ये आ गया आपका नोस, अच्छा जी उल्टी सीधी सी ऐसे डायग्राम बन गई, बट एनीवेज हमें तो समझना है इसको। फॉर एग्जांपल ये आ गया रेस्पिरेटरी ट्रैक, यानी ये ट्रैक ही आ गया, और ये आ गया ओसोफेगस, ये वाला यहाँ लिख देता हूँ ओसोफेगस। तो बेटा इसके अंदर जो सीलिया है ना वो क्या करेगा, जो भी डस्ट पार्टिकल होगा, जो म्यूकस होगा, उसको बाहर निकालेगा। ये फेरिंग्स का एरिया है। अब या तो वो डस्ट पार्टिकल ओसोफेगस में चला जाएगा और वो ओसोफेगस से स्टमक में जाएगा, स्टमक में आपको पता है HCL है, वो चीज़ें डिस्ट्रॉय हो जाएंगी, या तो फिर माउथ में आ जाएगा और वो माउथ से बाहर निकल जाएगा फेरिंग से। तो इस तरीके से जो है ना ये वर्क करता है, जैसे यहाँ पर लिखा हुआ भी है ना कि द सिंक्रोनाइज अपवर्ड मूवमेंट ऑफ सीलिया टूवर्ड्स द फेरिंग्स, इट इज़ आइदर पुश इन टू द ओसोफेगस और रिमूव थ्रू द माउथ। अच्छा जी, ये बेसिकली हो क्या रहा है, देखो नोज़ में हमारे पास हेयर्स प्रेजेंट है जो कि डस्ट को फिल्टर कर रहा है, ताकि एयर जो अंदर जा रहा है वो फिल्टर होके जा रहा है, और इसके अलावा पूरे रेस्पिरेटरी ट्रैक की जो लाइनिंग है, अंदर वाली लाइनिंग है, यानी पूरा जो रेस्पिरेटरी ट्रैक है उसकी इनर लाइनिंग में सीलिएटेड एपिथीलिया प्रेजेंट है, सीलिएटेड कॉलमिनर एपिथीलिया और म्यूकस प्रेजेंट है। तो वो कोई भी डर्ट पार्टिकल होगा वो म्यूकस में ट्रैप हो जाएगा, स्टक कर जाएगा, और सीलिया की मूवमेंट की वजह से वो निकल जाएगा बाहर। तो इस तरह से लंग्स में जो एयर जाता है वो किसी भी किस्म के डस्ट पार्टिकल से फ्री होता है। अब देखो ये डायग्राम यहाँ पे है, लेकिन मैंने इसको थोड़ा सा जो है ना, इसकी दूसरी डायग्राम मैंने यहाँ पर अलग से निकाली है, मैं उसमें से समझाता हूँ। वो भी बिल्कुल यही डायग्राम है, तो ऑब्वियसली जो है ना ये डायग्राम, एक मिनट बेटा, ये आ गई डायग्राम, देखो वही डायग्राम मैंने यहाँ पे थोड़ा सा जूम करके दिखा दिया है। अब देखो बेटा इस डायग्राम में ये पहले क्या लिखा है, मूवमेंट ऑफ म्यूकस टू द फैरिंग्स। देखो भाई ये पार्टिकुलेट दिखाया गया है कि ये जो पार्टिकल है एयर में जो ट्रैप हो गया है यहाँ पे, देखो ये एक आपको दिख रहा है ना यहाँ पे, कि देखो एक ये लेयर बन रही है, देखो एक वाइट कलर की लेयर और ये म्यूकस है, ठीक है, ये पूरा म्यूकस है, ये जो अंदर है ना ये म्यूकस है। तो और ये पार्टिकुलेट जो है ये म्यूकस में ट्रैप हो गया, ये देखो लिखा, ये लेबल भी हुआ है म्यूकस लेयर दिस वन, और ये पार्टिकुलेट यहाँ ट्रैप हो गया और म्यूकोजल सेल है, ये देखो ये थोड़ा सा इतना ज़्यादा क्लियरली विजिबल नहीं है, बट स्टिल ये थोड़ा सा आपको समझ आ रहा है कि ये ब्लू ब्लू पार्ट है, ये म्यूकस है, म्यूकस सेक्रीटिंग सेल्स हैं जो कि म्यूकस रिलीज कर रहा है और ये म्यूकस की लेयर बन जा रही है, सही है ना। और फिर ये आ गया सीलिया, ये जो ब्लू कलर का पार्ट है दिस इज सीलिया, और जो कि जिसकी मूवमेंट की वजह से ये पार्टिकुलेट्स और ये म्यूकस पूरा ऊपर मूव करेगा, और ये लिखा है सीलिएटेड कॉलमिनर एपिथीलिया। ये जो पूरी लेयर है, ये जो पूरी लेयर है, यानी ये देखो ये पूरी जो लेयर है, येलो से मैं इसलिए करूँ ताकि नज़र आए, दिस इज सीलिएटेड कॉलमिनर एपिथीलिया। स्टेम सेल किसको कहते हैं बेटा, ये स्टेम सेल्स हैं, स्टेम सेल अनस्पेशलाइज्ड सेल होते हैं ऑब्वियसली, अगर यहाँ पे किसी की यहाँ पे जब सेल डिवीजन होगी तो जो नए नए सेल्स बनेंगे वो इन स्टेम सेल्स से बनेंगे। फिर ये आ गया लेमिना प्रोप्रिया, लेमिना प्रोप्रिया ये देखो ये लाइन किस तरफ जा रही है, ये जो है ना ये देखो ये लाइन जा रही है यहाँ तक, ये लाइन है, सही है ना, ये कनेक्टिव टिश्यू होती है, सही है, कनेक्टिव टिश्यू होती है जिसके अंदर ब्लड वेजल्स होते हैं, ब्लड वेजल्स होते हैं, ब्लड वेजल्स यानी लेमिना प्रोप्रिया इज़ एन एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू, इट्स एन एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू। बेसिकली
ये हमारे पास वो टिश्यूज़ होते हैं, वो कनेक्टिव टिश्यूज़ होते हैं जिसके अंदर ब्लड वेसल्स होते हैं। और बेसमेंट मेम्ब्रेन आ गई ये वाली, ये जो बेसमेंट मेम्ब्रेन है ये कनेक्टिव टिश्यूज़ और ये एपिथीलिया के बीच में जो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूड होता है उससे बनी है ये बेसमेंट मेम्ब्रेन। यहाँ पे एक्चुअल में कुछ शो तो नहीं हो रहा, बट ये ऐसे। अच्छा, बैकग्राउंड वॉइस को थोड़ा सा इग्नोर कर देना, जस्ट इसको मैं कितना अवॉइड करूँ। देखो भाई, फॉर एग्जांपल ये एपिथीलिया, ये ग्रीन वाला, और ये इसकी, ये यहाँ पे, ये फॉर एग्जांपल ये कनेक्टिव टिश्यू है, ये ब्लू वाला। अब इसके बीच में ये हमारे पास कुछ जो है ना, ये एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूड होता है। ये एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूड जो है ये होता है बेसमेंट मेम्ब्रेन। ये आपको पिछले लेक्चर में भी मैंने समझाया था। तो दिस इज़ ऑल अबाउट दिस टॉपिक। अब इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास के अंदर हम नेक्स्ट टॉपिक को डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।